आप लोगों को पता होगा कि यूपीपीसीएस कुछ ही दिनों में आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो ये याद रखिए हर बार दृष्टि क्या रहता है कि 5 से 6 आपके मॉडल पेपर निकालता है। आप सभी को मालूम होगा कि 2 घंटे का टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है, ठीक है। तो आप जाइए दृष्टि IAS लिखिए, उस पर सर्च करिए आप लोग, वहाँ ये आपके डले हुए हैं, ठीक है। और याद रखिए आपके जो भी पिछले जो भी सिलेबस है, प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है, पैटर्न जो भी है, और आपका मेंस का भी जो सिलेबस है, सब कुछ एक सामान्य जानकारी हमने बता दी थी। और आपका PCS के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है UPPCS, उसमें आपके पुराने पेपर जितने भी हुए हैं तब से लेकर आप 2019 तक सभी को सॉल्व भी करवा दिया गया है, तो वहां जाकर देखते रहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये मॉडल पेपर। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर सेकंड जो CSET का होता है उसमें लगभग लगभग सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मतलब पासिंग मार्क चाहिए होते हैं, उसमें कोई आपको स्कोर की जरूरत नहीं रहती है। मेन अगर आप कहें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेंस लिखित परीक्षा में पहुंचने के लिए यही पेपर मेन रहता है, फर्स्ट पेपर। चलिए तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं हमको, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, किस पर? स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा देश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई थी। फेलोशिप और शोध के लिए चयनित वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शोध कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है इसके द्वारा। बिल्कुल दोनों कथन आपके क्या है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो आप देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 आपके दोनों सही है। यहां एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक पेपर निकालने का मतलब सीधा सा इतना रहता है कि कम से कम आपको एक सामान्य जानकारी मिल तो जाए किस तरह से पेपर पूछा जा रहा है, किस तरह से पेपर बनाया जा रहा बनता है। तो इसमें या तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ लेते हैं, जब स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद या तो इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, या पहले आप लोग ये पढ़ते हैं पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको। लेकिन इस लाइन को जो ए लाइन है, इसे आपको मैं तो कहता हूं 1 से 2 बार बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि अगर आप देख लीजिए इसी में अगर पूछ लेता है कि सही कथन नहीं है तो आप क्या लगाती, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। लेकिन इसमें सही पूछा है तो 1 और 2, क्योंकि इस लाइन की वजह से हम लोग आते हुए आंसर भी गलत कर बैठते हैं, तो याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो मुझे लगता है आपको मालूम होगा, सेट्रिक अम्ल। UPPCS बड़ा भेदभाव कर रहा है, मतलब आप सोचिए सिविल सर्विस में आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, MPPSC कहीं भी आप लोग देखिए 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और 2 घंटे का समय दे दिया जाता है। लेकिन UPPCS में आप सोचिए 150 क्वेश्चन है आपके पास और आपको 2 घंटे का समय मिल गया है, तो बड़े अच्छे से करना है। निम्नलिखित में से अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? निम्नलिखित में से अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? ये आप देखेंगे कहाँ होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चंस आपके वो लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है सम्मिलित किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा ये कई बार क्वेश्चंस बन भी चुके हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी विभाग में बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पोलियो के टीके की खोज की थी? तो मुझे लगता है आप सभी को मालूम होगा, जोनास साल्क थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है, इलास्टो लोरिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब दबाव का प्रयोग किया जाता है और इसे हटा लिया जाता है, या फिर इसे हटा लिया जाता है। इलास्टो
लोरिक पदार्थ ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो दबाव प्रेरित उत्क्रमणीय चरण रूपांतरण के रूपांतरणों के लिए सक्षम होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन आपके क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि ए और मतलब आप सोचिए कि एक दो दोनों सही है, ठीक है, इसमें सही कथन पूछ रहा है। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, समझ रहे हैं आप लोग, इसमें आपके दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल के जमने से उसके आयतन में किस तरह का परिवर्तन आता है, जल के जमने से उसके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है आखिर, तो आप देखेंगे आयतन बढ़ता है, आयतन कैसा होता है बढ़ता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, तो आप देखेंगे खरगोश से, किससे खरगोश से, लेकिन आप क्या करेंगे भेड़ लगा देंगे, बकरी लगा देंगे, तो याद रखिए खरगोश से प्राप्त होती है। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कृषि उड़ान योजना किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कृषि उड़ान योजना किससे संबंधित है, शीघ्र खराब होने वाली कृषि उत्पादों की परिवहन में सहायता से। आपने होगा अभी देखा होगा कि किसान रेल भी चलाई गई है इसी तरह के प्रोडक्ट खराब ना हो इसलिए, तो इसमें आठवें में आपका ए होगा, आठ में क्या होगा ए, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है हमारे सामने, सिरेमिक मेम्ब्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसे एलुमिना और किले जैसे अकार्बनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है, इसे भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार हेतु विकसित किया जाता है, जल को जब इस झिल्लियों से प्रभावित किया जाता है तब यह फिल्टर अन्य विदूषकों के साथ साथ आयरन आर्सेनिक और फ्लोराइड आदि धातुओं को पृथक कर देता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो आप देख रहे हैं तीनों कथन सही है, क्या होगा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्या होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिए इस पॉइंट को या तो आप लोग पहले भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद इनको तीनों को देख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, इसमें आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 10वां, भुगतान बैंक हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी होती है, भुगतान बैंक हेतु आपकी आवश्यक न्यूनतम पूंजी यानी कि कम से कम कितनी पूंजी होती है, तो इसमें आप देखेंगे 100 करोड़, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 100 करोड़। उसमें देखेंगे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एजेंडा 21 संबंधित है, तो आप सभी को मालूम होगा कि मॉन्ट्रियल संधि से संबंधित है, जो पर्यावरण आप देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी है, इसे आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इससे आप देखते हैं छोटे से मतलब एक तरह से कहिए कि कम है लेकिन सिलेबस कम दिखाई देगा, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके। तो एजेंडा 21 आपका किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल संधि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, भारत में एनिमल वेलफेयर वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ये देखने को मिलेगा आपको बल्लभगढ़, कहाँ बल्लभगढ़, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये है आपके टी पुलिया। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, क्या करना है विचार करना है, यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विशेषकर अर्धचालकों पर प्रकाश के क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव से संबंधित है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं प्रणालियों का अध्ययन एवं अनुपयोग है, जिसमें प्रकाश के स्रोत को जानना उसका पता लगाना उसे नियंत्रित करना शामिल है। इसमें आपका पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है, तो आप देखेंगे एक और दो आपके दोनों सही है, आपके एक दोनों दोनों सही है। आप लोग दृष्टि आईएएस से जाके डाउनलोड जरूर कर ले इसे, क्योंकि याद रखिए कि आपके पास रहेगा तो आप बेहतर मुझे लगता है कि पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो ये आप देखेंगे मलेरिया, कौन सा मलेरिया,
याद रखिए, ये भी आपका कई बार पूछ लेता है कि वायरस से होने वाला, जीवाणुओं से होने वाला और तो जुआ से होने वाला, तो इनके बारे में भी साइंस में बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जब चींटियां काटती हैं तो वे किस तरह का अम्ल अंतःक्षेपित करती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जब चींटी काटती है तो जलन टाइप की होती है, तो इसमें आप देखेंगे ये है फार्मिक अम्ल। क्या है फार्मिक अम्ल? निम्नलिखित में से गोल्डन आवर क्या कहलाता है? गोल्डन अवर। तो इसका आपको काफी चर्चा में भी बना रहता है। दिल का दौरा पड़ने का पहला जो घंटा होता है इसे आप लोग गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित संकराच्छा संस्था संबंधित है, एका किससे संबंधित है? ये आप देखेंगे एड्स से, शोध से संबंधित है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या करना है? विचार करना है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्टिकल फाइबर, लेजर डायोड, सौर सेल, उपयुक्त में से कौन से क्षेत्रों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुपयोग होता है? तो ये आप देखेंगे चारों में होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटॉन थेरेपी, ये भी काफी चर्चा में बनी रहती है, आप लोग देखते रहते होंगे। भारत में पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में किया गया था। यह एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, इसमें कैंसर के उपचार के लिए एक्सरे की बजाय प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है, और भारत का यह चिकित्सा प्रदान करने वाले विश्व का 16वां देश बना है, यानी कि भारत इस चिकित्सा को उपलब्ध कराकर 16वें नंबर पर पहुंच चुका है, मतलब 16वां नंबर प्राप्त कर चुका है, 16वें नंबर का है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि सही पूछा है, तीनों आपके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व वन दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि 21 मार्च को, 21 मार्च को, ठीक है, वन दिवस मनाया जाता है। एक बात और याद रखिए, इससे आप लोग देखिए कि इससे भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, जो भी डे होते हैं जिस रूम में मनाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो थीम रहती है उसे भी आप लोग हमेशा याद रखिए। ठीक है, और जो नए दिवस जुड़ रहे हैं उन्हें भी याद रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हीं से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर पुराने लगा लिया करिएगा, इससे क्या रहता है कि मालूम चल जाते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपने देखा होगा कि पिछली बार आपका आईएएस में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एक गवर्नर एवं अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। सरकार द्वारा 10 निदेशक नामित किए जाते हैं। 4 निदेशक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उपयुक्त में से सभी कथन आपके बिल्कुल सही है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, कम से कम इसमें सही सही ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं, और एक तरह से आपको इसलिए कि आंसर ही आपको इन्हीं में मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 कथन भी बना देगा, और नीचे आपका 1, 2, 3 सही है, 2, 4 सही है, 2, 3 सही है, 1 सही है, इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसे आप लोग इस तरह से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। सीधी सी बात, आप अगर कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पहले ही फीड हो जाना चाहिए कि प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में इससे जो भी टॉपिक पढ़ा है इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस तरह की आपको ट्रक आपके दिमाग में बैठ गई, आपको बनाना इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? उद्देश्य नहीं है, तो आप देखेंगे नहीं होगा और बाकी 3 होंगे, तो इसमें आप देख लेते हैं, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, आप सभी को मालूम है कि ये होता है। क्या होता है? इसका उद्देश्य है मौद्रिक नीति का, कि मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। फिर आप देखेंगे आर्थिक संतुलन को बनाए रखना, ये भी होता है,
औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ये भी होता है। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं रखना, ये गलत है। क्या है? डी उद्देश्य इसका नहीं है। तो आप क्या लगाएगी? डी लगाएगी। ठीक है, इसमें क्या लगाएगी? डी। अगर पूछता आपसे कि देखिए इसे क्वेश्चंस बदल लेता, आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के उद्देश्य है, फिर आपको नीचे चार तीन कथन दे देता है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, एक सही है, इनमें से कोई सही नहीं है, और नीचे आपको चार ऑप्शन दे देता इन्हीं में ए बी सी करके एक दो तीन, तो इन्हें आपको सही करना होता। तो इन तीनों को याद रखिए आप लोग कि इसके उद्देश्य क्या है और इसमें उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवियल फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सेल बैक्टीरिया के ऑक्सीकरण और कार्बनिक अणुओं के अपचयन के माध्यम से कार्य करता है। यह ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसमें आपका पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि एक और दो आपके दोनों सही है। बिल्कुल, क्या है? एक दोनों आपके दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन इसमें से क्या करना है? सही कथन चुनना है। देखिए आपको जैसे भी सूटेबल लगे, मतलब जिस तरह से आपको सहूलियत हो अच्छा ही, तो आप या तो पहले इनको, अगर आपको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इनको भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में इसे पढ़ सकते हैं, इसे पहले पढ़ सकते हैं, इसे लास्ट में पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो फ्यूल सेल एक बैटरी के समान होता है जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है। ऊष्मा, जल और जल फ्यूल सेल के उप उत्पाद है। फ्यूल सेल में विद्युत उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों ऑप्शन आपके सही है, तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से विश्वास योजना का संबंध है, निम्नलिखित में से विश्वास योजना का संबंध है किससे है, यानी कि विश्वास योजना किससे जुड़ी हुई है? तो ये आप देखेंगे विवादित करों की वसूली से, विवादित करों की वसूली से, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक ने से संबंधित है? तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा, खारवेल, खारवेल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सत्यमेव जयते का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो ये तो मालूम होना चाहिए, मुझे लगता है मुंडो मुंडकोपनिषद में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये भी आपने देखा होगा कि कई जगह क्वेश्चंस बन चुका है। सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के चलाने वाला राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये था आपका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा बिल्कुल सही है, जवादी हिल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, नल्ला मलाई हिल तमिलनाडु, ये आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट में है। ठीक है, तो आपकी याद रखिए इन तीनों सही को भी याद रखना है, और नल्ला मलाई आपकी गलत है इसमें। इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे आप लोग? सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगम शब्द किस धर्म से संबंधित है? आगम शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को मालूम होगा, मुझे लगता है कि जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। सूरसेन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आप देखेंगे मथुरा में। कहा? मथुरा में। ठीक है, डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। भारत में सिकंदर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? भारत में केंद्रीय मतलब सिकंदर की जो सफलता मिली थी उसका मेन कारण क्या था? भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव, यानी कि आप कहने का मतलब है कि इकट्ठे नहीं थे सभी, अलग अलग फूट डली हुई थी एक तरह से। फिर आप देखेंगे सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना, सेना में तेज तरार घोड़ों की बहुलता, और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पारंपरिक एक तरह से उन्हीं पुराने हथियारों का उपयोग कर रहे थे। और आप समझिए उस समय, आप सोचिए कि हम लोग इतने मतलब आप सोचिए कि उतनी हमारे पास तकनीकी नहीं थी कि हम उसका सामना कर पाते।
और सामना करने की छोड़ी है, देखिए आप समझ सकते हैं कि उस समय अलग अलग एक तरह से क्षेत्र बटे हुए थे। अब भारत को ही ले लीजिए आप लोग, कि इसमें 563 के करीब आपकी रियासतें थी। अगर सब अलग अलग हो जाती तो कोई भी आप समझते हैं कि भारत पर आक्रमण करके भारत को क्षति पहुंचा सकता था या अपने कब्जे में ले सकता था। अंग्रेजों के समय भी तो आपने देखा है कि हम लोग बटे बटे हुए थे, राष्ट्रवाद का कोई हमें मतलब अंदर कोई हमें अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने आसानी से हम पर एक तरह से कब्जा भी कर लिया, शासन भी किया। तो इसमें आपका डी लगाएंगे। इस तरह के याद रखिए, मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चंस आपको मतलब पकड़ना सीखना चाहिए, कि आप समझिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके अगर कॉमन सेंस भी है तब भी आप उस समय के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने रोमन साम्राज्य की नकल कर तांबे के सिक्के चलवाए? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कुजुल कड़फिसस ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन से आपका कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही आपके कई साधारण सरल क्वेश्चन है। आप जानते हैं त्रिपुरा है। एक बात और बताऊं आपको कि आपके जितने भी पड़ोसी देशों से राज्य लगते हैं, जो भी सीमा लगती है, क्या लगती है, कितने राज्यों की सीमा लगती है, और राज्यों के बारे में कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इनके बारे में भी बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। और बहुत साधारण है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछने को मिलते रहते हैं। कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगती है अधिक राज्यों से, तो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दक्कन टैप का निर्माण मुख्यतः हुआ था? दक्कन टैप का निर्माण मुख्यतः हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे बेसाल्टीय चट्टानों से, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित उगमों पर आपको विचार करना है, ये नदी तंत्र हो गया, इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, रावी, गंगा नदी तंत्र, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र घाघरा, तो इसमें आपका क्या होगा? सही से उल्लेख करना है आपको, तो एक और दो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक दो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सिंधु नदी तंत्र, रावी की सहायक इसकी रावी, और गंगा नदी तंत्र कोसी। ठीक है, एक और दो सही है, तीसरा आपका गलत है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से काली नदी किसकी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी को मालूम होगा कि गंगा नदी की, किसकी? गंगा नदी की। निम्नलिखित में से किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें नेपाल को, किसे? नेपाल को। ठीक है, गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को मालूम होगा कि चंबल, ये मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी। सूची एक सूची दो सुमलेख करना है आपको, क्या करना है? सुमलेख करना है। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम, इसमें आप देखेंगे 1930 में आए, सिविल मैरिज एक्ट 1872, सती प्रथा प्रतिबंध 1829, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये आपका देखते हैं 1891 में। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि कहने का मतलब है कि शारदा अधिनियम आपका 1930 में, सिविल मैरिज एक्ट 1872, सती प्रथा प्रतिबंध आप देखेंगे 1829, और ईज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी है? तो इसमें आप देखेंगे भरत पूजा, पूजा और पेरियार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका। सबरीमाला मंदिर विवाद भी आपने देखा होगा, ये भी केरल राज्य से संबंधित है आपका। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ है? गंधार कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ है? तो ये आप देखेंगे किस में हुआ है, ये हुआ है कुषाण काल में, कुषाण काल में। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए गुप्त काल में, किसमें?
गुप्त काल में। इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन था। फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन था, तो इसमें आप देखें कि जियाउद्दीन बरनी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आपके सामने है अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इब्राहिम लोदी, आप समझ रहे हैं, इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था। भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, इब्राहिम लोदी, तो इसे बड़े अच्छे से याद रख लेना आप लोग। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त है। आप समझ रहे हैं कि कौन सा वृक्ष, ऐसा कौन सा पेड़ है जो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त है, यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें आप देखेंगे ये है आपका नीम, इसलिए आप देखते हैं कि जहां धूल उड़ने का काम होता है वहां नीम लगाने की बात की जाती है, तो डी ऑप्शन सही है। और वैसे भी आप देखते हैं नीम पेड़ कई औषधियों के लिए भी यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये आपको मालूम ना हो, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, चोटी हो गई और पर्वत हो गया, ये भी आप देखते हैं कि पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, गुरु शिखर, क्या है गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है एक तरह से, धूपगढ़, क्या है धूपगढ़ सतपुड़ा की है, धूपगढ़ किसकी, सतपुड़ा की, दोदा बेटा, दोदा बेटा किसकी है, ये आप देखेंगे नीलगिरी की, और अन्ना अन्नाई मुड़ी ये पश्चिमी घाट की, ठीक है। तो आपके कहने का मतलब है कि गुरु शिखर, अरावली पर्वत, धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत, दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत और अन्नाई मुड़ी, मुड़ी ये मुड़ी है आपकी कहाँ है, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है, माफ करिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित नहीं है पूछा है। अब देखिए अगर आपको मालूम चल जाता है कि अवस्थित है तो आप क्या लगाते हैं इसमें, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया नहीं है, तो इसी से पूरी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आप लोग कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये सभी आप देखते हैं कि एक ही लगे हुए राज्य है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कर्नाटक देखते हैं आप लोग, दक्षिण भारत में आपको दिखाई देगा बहुत नीचे। निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी, निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये थे सुभाष चंद्र बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब, ठीक है। 52 का क्या लगाएंगे आप लोग, बी। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को भारत में उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, गवर्नर जनरलों को भारत में उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन इन्हीं ने किया था। फिर आप देखेंगे लॉर्ड मेडकॉक, फिर आप देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड, और फिर देखेंगे लॉर्ड एलन बरू। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, फिर उसके बाद लॉर्ड मेडकॉक, फिर आपके लॉर्ड ऑकलैंड, फिर आपकी लॉर्ड एलन बरू। इनके बारे में हम लोगों ने एक बार बड़े विस्तार से बात की थी, शायद आप लोग पहले से जुड़े हुए तो आपको मालूम होगा। देखिए आप लोग प्लेलिस्ट सूची में वीडियो फॉर आईएसपीसी इसके नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें डले होंगे। और अगर नहीं तो आप लोगों ने किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की हुई थी, आपने जब एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर की तब इन्हें भी पढ़ाया गया था, ठीक है। मुझे लगता है सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के लिए काफी मटेरियल दे चुका हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें आप सी लगाएंगे ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेलांग घाटी अवस्थित है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेलांग घाटी अवस्थित है, तो ये आप देखेंगे कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, बी ऑप्शन आपका सही है, उत्तराखंड, ठीक है। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वतों की चट्टानों में सागरीय जीवों की जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये आप देखेंगे वलित पर्वत में, वलित पर्वत में, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है, तो ये आप देखेंगे कुजी अस्को, ठीक
ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में द्वीपों का की सर्वाधिक संख्या है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आप देखेंगे पोटेशियम एवं चूना, पोटेशियम एवं चूना। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपचा जनजाति पाई जाती है, तो ये आप देखेंगे सिक्किम में, सिक्किम राज्य में। आप जानते हैं कि जैविक खेती करने वाला पूरी तरह से सिक्किम पहला राज्य है, ये भी कई बार क्वेश्चंस बन चुका है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है आपको, तो इसमें आप देखेंगे अभिनव भारत समाज, बी डी सावरकर इससे संबंधित हैं, आपके एच एस आर ए चंद्रशेखर आजाद, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा और अंजुमन ए मेहसवान ए वतन अजीत सिंह। ठीक है, तो इसमें आप डी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अभिनव भारत, बी डी सावरकर, एच एस आर ए चंद्रशेखर आजाद, इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, अंजुमन ए मुस वान ए वतन ए अजीत सिंह। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कहां पर हाजी वारिस अली शाही की दरगाह है, तो ये आप देखेंगे कहाँ है, बाराबंकी में, बाराबंकी में। ठीक है, नैमिषारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सीतापुर में, कहाँ, सीतापुर में। आप जानते हैं यूपी का है, तो उत्तर प्रदेश से कुछ इससे इसमें क्वेश्चन आते ही है। अगला है क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किसे माना जाता है, तो आपको मालूम होगा कि लोहे इस्पात को। अगला है आपका, राष्ट्रीय राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आप सभी को मालूम होगा कि अनुच्छेद 78 में, किसमें, अनुच्छेद 78 में। लोकहितवाद की संकल्पना का प्रारंभ हुआ है था कहां, लोकहितवाद की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, ये आपको मालूम होगा अमेरिका में, कहां, अमेरिका में। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप समझिए ये है आपका कनाडा। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर आप सोचिए केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, राज्य सरकारों के पास कम शक्ति है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका में आप देखते हैं सभी स्टेट को अलग होने की शक्ति है, हो सकते हैं, लेकिन हमारे राज्यों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो कह दें कि हमें अलग देश बनना है और हमें भारत से निकलना है, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल संविधान में शामिल नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल संविधान, जब मूल संविधान लागू हुआ तब नहीं था, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आप देखते हैं इसमें आपका मौलिक अधिकार आपके शामिल थे, मूल कर्तव्य आपके शामिल नहीं थे, राज्य की नीति निदेशक तत्व शामिल थे और प्रस्तावना भी शामिल थी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे, मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो गया, फिर आप देखते हैं 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि 42 बार संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब मूल कर्तव्य आपके जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय सिनेमा जगत से प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, यह भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये थी नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन था, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए भारत के बारे में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें आपका श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता दी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है आपको, सूची एक सूची दो, तो इसमें क्या पूछ रहा है, मंचूरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, मंचूरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, किरकुक या आपका पेट्रोल के लिए है, और यूनान ए 10 के लिए है आपका, और होकेडो ए लो एस्क के लिए है। ठीक है,
तो इसमें क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, 70 में सी। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना संभालने वाले न्यायाधीश हैं, तो इनके बारे में हमेशा आप याद रखिए, एम हिदायतुल्ला, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि यह आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये बहुत साधारण क्वेश्चन से आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति साहब को देखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ईस्वी में निम्नलिखित में से किस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, तो यह आपको मालूम होना चाहिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को, यानी कि बी ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। एक बात और याद रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो सभी अधिनियमों को आप लोग पढ़ लें, क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। 73 में आपका पी, पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको मालूम होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र से, जहां से आप सुनते हैं ये, इसी क्षेत्र में बुंदेलखंड कहते हैं इसी को, कुछ हिस्सा इसका एमपी में भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये आप देखेंगे मथुरा में, कहां है, मथुरा में, ठीक है। पर आप देखेंगे लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है, इसमें आप देखेंगे असित कुमार हल्दार, असित कुमार हल्दार। 77 है, कजरी किस ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वर्षा ऋतु में, किसमें, वर्षा ऋतु में। गोमती नदी का उद्गम स्थल है, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, इसमें आप देखेंगे पीलीभीत में, पीलीभीत में। देखिए इस समय इस बार मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस यूपी जी के भी लेगा काफी क्वेश्चंस, आप पिछले साल देखते थे कि कभी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन आपने देखा है कुछ समय पहले बहस भी हुई थी इस पर, समझ रहे हैं, तो उसमें सम्मिलित करने की बात भी की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में कथन ए, वर्तमान में वे ही संसदीय विशेष अधिकार लागू है जो 1978 से पहले भारत का संसद भारत के सांसदों को प्राप्त थे, कारण आर, ना तो संसद ने ना ही किसी भी राज्य के विधानमंडल ने अभी तक विशेष अधिकारों से संबंधित कोई विधि बनाई, तो ए आर आपका दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है आपका, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 79 में ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से स्विस चैलेंज क्या है, स्विस चैलेंज क्या है, तो आपको मालूम होगा कि यह क्या है, यह सार्वजनिक परियोजनाओं की बोली लगाने की विधि, यानी कि 80 में आपका डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कॉप 13 सम्मेलन किससे संबंधित है, तो यह मालूम होना चाहिए कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों द्वारा परिचालित नहीं होती है, परिचालित नहीं होती है, जैव भू रासायनिक चक्र होती है, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होती है, ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला ये भी होती है। तो देखिए अगर पूछता है आपसे कि इनमें से सब कौन से कथन में अगर पूछ लेता तो आपको ए, और पूछता कि सही है तो ए बी डी, माफ करिए, ए सी डी सही है, बी इसमें गलत है, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना होगा वान झील में, किसमें, वान झील में, मेष सागर मत लगा दीजिएगा, वान झील, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, कहा जाता है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, या आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, कथन ए और कारण आर, कथन ए है, राज्य की नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की कोशिश ना के ही केंद्र और ना ही राज्य सरकारों द्वारा की गई, और नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो इसमें आपका ए गलत है, लेकिन आर सही है, क्योंकि आप जानते हैं नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन। पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पर ऑक्सी एसिड
नाइटेट, यानी कि पेन मुख्यता कारक है, मुख्यता कारक है। ये आपको देखने को मिलेगा कि वायु प्रदूषण का, किसका, वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में घड़ियाल अपनी प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? आप सोचिए कि यह है चंबल नदी में। किसमें? चंबल नदी में। भारत में शीतकाल में पवनों की दिशा होती है, भारत में शीतकाल में पवनों की दिशा क्या होती है? ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, यानी कि सी ऑप्शन आप सही लगाएंगे, ठीक है, 88 सी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि भारत में जहां कर्क रेखा है वहां विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु होती। कहने का मतलब है कि जहां कर्क रेखा आप देखते हैं वहां विषुवत रेखा होती तो क्या होता, जलवायु भारत की किस तरह की होती? तो ये आप देखते हैं, अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती है। अधिक ताप भी आपको झेलने को पड़ता और अधिक वर्षा भी आपको देखने को मिलती है। आप लोगों को नीचे लिखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर सकती है और किन किन राज्यों से गुजरती है। अगर ये भी लिखते हैं आपको याद है तो लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है कौन सा है? ये आपको देखने को मिलेगा कलपक्कम तमिलनाडु का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है? ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में, आपकी राजधानी में। अगला है, ग्राम न्यायालय में के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मसले देखता है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का एक न्यायाधीश होता है जिसे न्यायाधिकारी नाम दिया गया। न्यायाधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर उच्च न्यायालय करती है। इसमें आपको सही कथन चुनना है। क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक और दो सही है लेकिन तीसरा आपका बिल्कुल गलत है। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन, 93 में 20। क्वेश्चन है अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी को मालूम होगा कि गुरुग्राम में। ये भी कई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसमें कई देश शामिल भी किए गए हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। एक्सो प्लेनेट है, एक्सो एक्सो प्लेनेट क्या है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सौरमंडल से बाहर पाए जाने वाले ग्रह। ए ऑप्शन आपका सही है। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी आपको मालूम होगा कि दामोदर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर साहब ने। आप देखते हैं राजनीति में आज भी इनका फायदा, एक तरह से आप कह सकते हैं इनके नाम पर वोट बैंक राजनीति होती रहती है, रोटी सिकती रहती है, ठीक है, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को मालूम होगा कि ये थे डॉक्टर एलेक जेफ्रेयस, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, समझ रहे, किसी अनुच्छेद में। तो आप देखेंगे भारत का निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ये नहीं है। आप देखेंगे संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा। भारत का वित्त आयोग भी देखने को मिलेगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी देखने को मिलेगा। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, क्योंकि आपको संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा है? तो मुझे लगता है मालूम होगा कि 9वें नंबर पर रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए सूचकांकों के बारे में हमेशा याद रखिए, रिपोर्ट भी जो जो भी निकलती है उनके बारे में भी, भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में याद रखिए, और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है उनके बारे में भी याद रखिए, ठीक है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं अभी हाल ही में? तो ये मार्कोस ट्राइजो, ये ब्राजील के हैं। कहाँ के? ब्राजील के। 101वां क्वेश्चन है, अगला, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में शामिल किया गया था? तो ये आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला है, लेखानुदान के माध्यम से केंद्रीय सरकार कौन सी अनुमति प्राप्त करती है? तो ये आपको देखने को मिलेगा एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जहां जल विद्युत
कि अपार संभावनाएं होने के कारण वह स्वयं को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी के रूप में देखता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि यह है लाओस। क्या है? लाओस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संबंध में राज्यसभा के पास अनन्य अधिकार है? राज्यसभा के पास एक तरह से स्पेशल शक्ति है। धन विधेयक का निर्धारण करना, ये नहीं है। आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारण करता है, धन विधेयक है नहीं। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सुझाव देना, ये भी नहीं है आपका। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए संस्तुति करना, एक तरह से ये स्पेशल पावर है। सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। आगे है आपका, इंजेती श्रीनिवास समिति के गठन का संबंध किससे था? इस तरह की जो भी समितियां हुआ करें उन्हें भी बड़े अच्छे से पढ़ लिया करेगा, इनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये है आपके 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को आपका सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है? तो आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 360 के तहत आपात की घोषणा है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है ना। आप बताइए अभी तक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है हमारे देश में? ठीक है, आप लोग नीचे लिखिए। अगला है, धन विधेयक के किस सदन में पुरा स्थापित किया जा सकता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ए और बी आपके दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की अगर निर्वाचन की बात करूं मैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एक शब्द हमेशा याद रखिए, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें आप देखेंगे जो मनोनीत सदस्य होते हैं इन्हें भाग नहीं लेने दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सी था। अगला है, भारत के किस किसी राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक सही नहीं है? इनमें से आपका देखेंगे कि आप बाकी सही होंगे, एक सही नहीं होगा। कौन सा नहीं है, चलते हैं देखते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण राज्य की मंत्री परिषद है, बिल्कुल सही है। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ये भी सही है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम पर लिए जाते हैं, ये आपका गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, तो इसमें आप लगाएंगे सी ऑप्शन। ठीक है, क्या लगाएंगे? सी। अगला है, बैरोमीटर में कौन सी स्थिति वर्षा की संभावना को इंगित करती है? बैरोमीटर में कौन सी स्थिति वर्षा की संभावना को इंगित करती है, यानी कि बताती है? तो ये बताती है बैरोमीटर के पाठ्यांक में धीमी कमी आपकी वर्षा को इंगित, वर्षा की संभावना बताती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। किस तरंगों का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? किस तरंगों का प्रयोग, किन तरंगों का प्रयोग आप लोग देखते हैं कि दूर संचार के लिए उपयोग होता है? तो इसमें आप देखेंगे माइक्रोवेव का, तरंगों का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सी परिघटना विकास के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो मरीच का है, हीरे का चमकना ये भी है, आप देखेंगे तारों का टिमटिमाना ये नहीं है, पानी में बने बुलबुलों का चमकना ये भी है। तो इसमें आप सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए व्यक्ति की किडनी है, त्वचा भी है, फेफड़ा है, लेकिन आंख नहीं है। क्या है? आंख नहीं है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, फल और खाने योग्य भाग। सेब की बात करें, सेब का कौन सा भाग आप लोग खाते हैं? तो इसमें आप देखेंगे पुष्पासन। ठीक है, क्या खाते हैं? पुष्पासन। पपीता, पपीता में देखेंगे आप लोग मध्य फलभीति। नारियल, नारियल में देखेंगे भ्रूण कोष। केला में मध्य एवं अंतर भीति। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन 115 में बी। भारत में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र मणिकरण किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। और एक बात और याद रखिए, माइनस मार्किंग है तो आप 100 प्लस कर देते हैं, 105 110 रहने दीजिए काफी, अगर आपको लगता है कि आपके सही है तो आप समझिए कि इतना काफी है आपके लिए। ठीक है,
इस बार हो सकता है कि स्कोर और जाए क्योंकि आपने देखा है कम सीटें हैं। हाल ही में लाजरस चकवीरा को निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपको मालूम होगा कि यह है मलावी का। कहाँ का? मलावी का। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका पड़ोसी है मध्य प्रदेश। कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि निकिल नहीं है, हीरा है, फुलेरिन है, ग्रेफाइड है, लेकिन निकिल नहीं है। अगला है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो इससे तो मुझे लगता है कि मालूम होगा कि लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के बीच, और मतलब आप कहिए मुस्लिम जो भी संगठन था और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता भी कहते हैं 1916 में, 120 में सी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक किया गया था भारत में प्रारंभिक व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण के अधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य प्रशासनिक अधिकरण तो राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े विवादों व शिकायतों पर न्याय निर्णय करता है। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही है। क्या है? केवल एक कथन आपको सही देखने को मिलेगा। राज्य प्रशासनिक अधिकरण उस राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े विवादों व सेवा शिकायतों पर न्याय निर्णय करता है। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत सर्वप्रथम प्रतिबंधित किए जाने वाला समाचार पत्र कौन सा था? ये आपको देखने को मिलेगा सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश। डी ऑप्शन आपका सही है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया कर दिया गया? तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये क्या था, बी चार्टर अधिनियम 1813। एक बात और बता दूं आप लोगों को, क्या बताना है कि देखिए 1813 में जो खत्म हुआ था इनका एकाधिकार, तो चीन और चाइना, मतलब चाय और चीन को छोड़कर खत्म किया गया था, लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 में पूरी तरह से खत्म किया गया था। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की श्रेणी की सर्वाधिक जानकारी मिलती है आपको? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि दसपुर शिलालेख में, एमपीपीएससी में भी पिछली बार क्वेश्चन बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाथी हाल ही में यही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त बीमित हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक किया है आपका कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक ने। एक और बात बता दूं आप लोगों को, इस बार कोविड 19 से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा साल इसी में खत्म होने वाला है, तो सब इसके जो भी पॉइंट है सबको याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, या केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है? तो सी ऑप्शन आपका सही है, ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। याद रखिए आपके जितने भी संगठन थे, आपके राष्ट्रीय संगठन हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबको कवर कर चुका हूं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वैसे भी आप लोग अगर देख रहे हैं इस क्लास को या कोई भी किसान, तो प्लेलिस्ट सूची में जाइए, काफी मटेरियल दे चुका हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए किस्सा ख्वानी बाजार नरसंगा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आप देखेंगे खुदाई खिदमतगार आंदोलन 128 में आपका भी। आबिद हुसैन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? लघु उद्योग सुधार, लघु उद्योग सुधार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन के अंतर्गत शासन का ढांचा है? तो आप सभी को मालूम होगा कि त्रिस्तरीय। निम्नलिखित में से किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की करने की योजना है? तो ये आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सही कथन इसमें चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, प्रशासनिक अधीक्षण की नहीं? बिल्कुल सही है। यदि सशक्त बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या अधिकरण किसी उच्च न्यायालय के राज्य क्षेत्र में आता हो तो उस भी उच्च न्यायालय पर उस अधीक्षण की शक्ति नहीं रखता है।
तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, 32 में, 32 में आप सी, एक और दो दोनों सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल की महिला को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की है, तो इसमें आप देखेंगे यह है मनीषा सिंह। आप समझिए कभी ऐसा दिन आएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत का बन जाए, हो सकता है इस तरह की भी प्रावधान कोई हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर इस तरह का संशोधन हो जाता है अमेरिका में कि कोई भी कहीं भी से आके, तो हो सकता है, समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपको मिलेगा ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर जिले में। अगला है आपका, ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओजोन का कुल 90% है। इसे गुण ओजोन कहा जाता है। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 सही है, याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला है, मनरेगा कार्यक्रम की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी? तो आपको मालूम होना चाहिए झारखंड, क्या है, झारखंड। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये है आपकी HDFC, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला है, हाल ही में चर्चित हागिया हागिया गिया सोफिया संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? ये आप देखेंगे इंस्ताबुल में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा मुकेश अंबानी, ठीक। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि है आपके तरुण बजाज को, ठीक है। हाल ही में चर्चित इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में से संबंधित है? तो आपको मालूम होगा राजस्थान, कहा राजस्थान, ठीक है, 142 में ए। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2007 में स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका 1 और 2 सही है केवल। इसकी स्थापना 2007 में स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य आपके शामिल होती है, ठीक है। अगला है, व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंटार्ड जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? इसका मुख्यालय जेनेवा में देखने को मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एटालिन जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2019 में भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? किया गया ये है आपका नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। आटा पक्का पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब निम्नलिखित में से किस प्रतियोगी ने जीता था? तो आपको मालूम होगा कि यह थी टोनी एनसिंग, टोनी एनसिंग, ठीक है। फिर अगला है, 18 से 21 नवंबर 2018 तक कृषि सांख्यिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया, कहाँ? तो ये आपको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली में। 19 नवंबर 2019 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। समग्र रूप से राज्यों की किस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, क्या, तमिलनाडु, बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चंस। देखिए 1 घंटे के करीब आपको, हम लोगों को टाइम लग गया, हमारे सामने क्वेश्चंस थे, हमें मालूम था कि क्वेश्चंस ये है ऑप्शन, फिर भी आप सोचिए 1 घंटा लग गया। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा अच्छा दिमाग फ्रेश करके, मतलब आप सोचिए शांति से, ठीक है। अगर कोई गलत हो, मुझसे गलती हो गई हो कहीं, तो
तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दीजिए, ठीक है। इसके पांच हैं टोटल, तो चार और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं।